नमस्कार दोस्तों, चाहे स्कूल हो या ऑफिस, नोटबुक्स की आवश्यकता हम सभी को पड़ती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये नोटबुक्स हमारे टेबल तक कैसे पहुंचती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नोटबुक बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है पेपर। ये पेपर का रील सीधे पेपर मिल से आता है और इसलिए ये एकदम कोरा यानी प्लेन होता है। इन पर कोई धारी या लाइन नहीं बनी होती। इस पेपर रील को एक मशीन पर चढ़ाया जाता है। इस मशीन में कई रोलर्स लगे होते हैं जो पेपर में आए किसी भी शिकन को ठीक कर देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेपर रील का पेपर एकदम कोरा होता है, इस मशीन की मदद से पेपर पर धारियां या लाइंस बनाई जाती हैं। लाइंस कैसे बनाई जाएंगी ये निर्भर करता है कि नोटबुक किस सब्जेक्ट का है, यानी मैथ्स के लिए अलग धारियां होती हैं, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग। इसलिए इस मशीन पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग धारियों के लिए अलग अलग सांचे होते हैं। इन सांचों और इंक की मदद से ये मशीन कोरे पेपर पर धारियां बनाती हैं। धारियां बनाने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली जरूरत के हिसाब से एक साइज में इन पेपर को काटते चलती है। अब पेपर पर लाइंस भी बन चुकी हैं और ये सही साइज में कटकर तैयार भी हो चुकी है। अब बारी आती है बाइंडिंग की। कटे हुए पेपर को नोटबुक के कवर के अंदर दबा कर रखा जाता है ताकि नोटबुक में पिन जल्दी से जल्दी लगाया जा सके। अब नोटबुक में पिन लगाई जाती है। कारीगर कुशलता से पेपर को कवर के साथ पिन करते हैं जिससे पेपर और कवर एक साथ फिक्स हो जाते हैं। इस मशीन की मदद से नोटबुक में पिन लगाने का काम बहुत आसानी से हो जाता है। एक कारीगर पेपर और कवर का सेट तैयार कर देता है और दूसरा कारीगर मशीन की मदद से उस पर फटाफट पिन लगाता है। मशीन में पेपर को इस तरह से काटा गया है कि एक सेट में दो नोटबुक हैं। पिन लगाने के बाद नोटबुक थोड़े फूले फूले से होते हैं। एक स्पेशल प्रेसिंग मशीन की मदद से पिन वाले साइड से नोटबुक को दबाया जाता है जिससे नोटबुक शेप में भी आ जाते हैं और लगा हुआ पिन भी अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। अब आता है नोटबुक बनाने का अंतिम चरण यानी कटिंग का। नोटबुक बनाने के अभी तक के प्रोसेस में नोटबुक के कोरे आड़े तिरछे हो जाते हैं। कटिंग करके इस नोटबुक को सुंदर इवन आकार दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अभी तक एक सेट में दो नोटबुक हैं। कारीगर सही माप लेकर इस सेट को बीच से काट देता है जिससे दो नोटबुक बन जाते हैं। कटे हुए नोटबुक के तीनों कोनों को काटकर सुंदर आकार दिया जाता है। लीजिए, अब आपका नोटबुक दुकान पर जाने के लिए तैयार है।